हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सुपरमैन एंड लुइस शो के बारे में, जो कि रिलीज हो चुका है। फिलहाल तो मैंने इसका सिर्फ एपिसोड 1 देखा है, जो कि है 1 घंटे 3 मिनट का, और ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है, हिंदी में ये देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप लोग इंडिया में रहते हो और आप इसे देखना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, तो वो कैसे देखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो बस टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। चलिए बात करेंगे इस शो के फर्स्ट एपिसोड की। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक क्विक नरेशन से, जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि सुपरमैन किस तरीके से एज अ बेबी अर्थ पर आया था, फिर यहाँ पर आने के बाद फार्मर्स जोनाथन और मार्था ने उसको पाला, उसे बड़ा किया, उसे अपने पावर को यूज़ करने का तरीका सिखाया, फिर कैसे वो स्मॉल विल से मेट्रोपोलिस गया, फिर वहाँ पर जाने के बाद उसकी मुलाकात लुइस से हुई, फिर उसकी शादी हुई, फिर उसके 2 बेटे हुए। ये हमें एकदम क्विक वे में, यानी कि स्टार्टिंग के 7 मिनट में ही बता दिया गया, लेकिन बाकी के 55 मिनट में क्या कुछ होता है फर्स्ट एपिसोड में, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको भाई ये शो ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने सब बता दिया तो फिर आप लोग देखोगे क्या। बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो यार ये नॉट एक्सपेक्टेड था, एक अलग एक डिफरेंट तरह का मुझे सुपरमैन का शो यहाँ पर देखने को मिला, जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को बिल्डअप किया है फर्स्ट एपिसोड में, यहाँ पर हमें फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ भी देखने को मिलते, साथ साथ एक सुपर विलन भी देखने को मिला, जो कि आने वाले एपिसोड्स को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है, या तो फिर एक तरह का हाइप क्रिएट कर रहा है कि हाँ आगे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो इस पर्टिकुलर शो को एक अलग वे में प्रेजेंट करेगा ऑडियंस के सामने। और कि सिनेमेटोग्राफी अभी तक तो अप टू मार्क है, जितने भी VFX थे या जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई है बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही नीटली हर एक चीज़ को किया है। BGM एज यूजुअल बहुत अच्छा है, और एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करते हो, सभी सपोर्टिंग एक्टर्स अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाए, लेकिन टायलर हॉचलिन जिसने यहाँ पर एज अ सुपरमैन और क्लार्क कैंट हमें नज़र आते हैं, फैबुलस जॉब यार, बहुत ही गजब, मतलब एज अ सुपरमैन वो एकदम सुटेबल लग रहा था। फर्स्ट एपिसोड की जो एडिटिंग है वो भी बहुत अच्छी लगी, यानी कि 1 घंटा होने के बावजूद भी वो फील नहीं आता कि हम लोग को बोर फील हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये सुपरमैन बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, लेकिन हाँ ये जो थंबनेल में मैंने लिखा है सुपरमैन इज़ बोरिंग, वो इस पर्टिकुलर शो में एक डायलॉग है। अब वो डायलॉग कौन बोलता है, क्यों बोलता है, वो तो आपको शो में देखने को मिलेगा। फाइनल मेरे वर्डिक्ट ये है कि फर्स्ट एपिसोड से हम लोग किसी भी शो को जज नहीं कर सकते। मेंटल गाइडेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर किसिंग सीन आपको देखने को मिल जाते हैं, अगर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दोगे तो उसके अलावा इसमें ऐसी कुछ भी चीज़ है नहीं जो आप अपने घर वालों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। और रेटिंग्स की बात करेंगे तो यार अभी रेटिंग्स देना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग आने वाले और एपिसोड्स देखेंगे, फिर उसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप लोग चाहते हो कि सुपरमैन एंड लुइस के बाकी के आने वाले हर एक एपिसोड्स को मैं कवर करूँ हमारे इस चैनल पर, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप लोग कमेंट करते हो। तो ये शो आपको इस साइट पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।